किसी भी देश की मिलिट्री में टैंक्स का बहुत ही ज़्यादा महत्व होता है। टैंक्स ऐसे आर्मर्ड व्हीकल्स होते हैं जो कहीं भी किसी भी तरह के टेरेन में कॉम्बैट मिशंस को अंजाम दे सकते और दुश्मनों का भारी नुकसान कर सकते हैं। DRDO ने भारत के लिए एक ऐसा टैंक बनाया है जिसे देखकर दुश्मनों का होश उड़ जाएगा। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल मिलिट्री माइट में। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं भारत के स्वदेशी निर्मित मेन बैटल टैंक अर्जुन MK2 की दास्तान। वीडियो को एंड तक जरूर देखें क्योंकि ये वीडियो दिलचस्प होने वाली है। MBT अर्जुन तीसरे जनरेशन का मेन बैटल टैंक है जिसे डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन यानी DRDO के कॉम्बैट व्हीकल रिसर्च एंड डेवलपमेंट एस्टैब्लिशमेंट ने इंडियन आर्मी के लिए बनाया है। टैंक का निशाना अचूक होने के कारण इसका नाम महाभारत के अर्जुन के नाम पर रखा गया है। 1986 में MBT अर्जुन के डिजाइन का काम शुरू हुआ था और 1996 में जाकर यह डिजाइन पूरा हुआ। MBT अर्जुन का इंडक्शन इंडियन आर्मी के अंदर 2004 में जाकर पूरा हुआ और 43rd आर्मर्ड रेजिमेंट को पहली बार 2009 में ये टैंक सौंपा गया। इससे पहले कि हम आपको अर्जुन MK2 के स्पेसिफिकेशंस के बारे में बताएं, आइए देखते हैं कि इस टैंक की जरूरत भारत को क्यों पड़ी। जैसा कि आप सभी जानते हैं, भारत अपने पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान से 4 बार जंग लड़ चुका है और उन सभी जंगों को जीतने में भारत की टैंक्स ने अहम भूमिका निभाई है। 1971 के बांग्लादेश लिबरेशन वॉर के बाद इंडियन आर्मी को एक ऐसे टैंक की जरूरत महसूस हुई जो कि 50 टन का हो, जिसमें 120 mm की राइफल्ड गन, कंप्यूटराइज्ड FCS और 1400 HP का इंजन मौजूद हो। भारत सरकार की मंजूरी से एक प्रोग्राम को स्टार्ट किया गया जिसमें DRDO के कॉम्बैट व्हीकल रिसर्च एंड डेवलपमेंट एस्टैब्लिशमेंट को भारत में ही स्वदेशी टेक्नोलॉजी से लैस एक टैंक बनाने का जिम्मा सौंपा गया। पहले टैंक का प्रोटोटाइप 1989 में लॉन्च हुआ और बहुत ट्रायल्स होने के बाद इस टैंक में कई सारे डिफेक्ट्स पाए गए, जिनके वजह से इसका दूसरा मॉडल PPS-15 को लॉन्च किया गया जो कि आर्मी के 43rd आर्मर्ड रेजिमेंट में इंडक्ट हुआ। इस प्रोग्राम का खर्च करीब करीब 16 बिलियन अमेरिकी डॉलर बताया जाता है। इतना सब होने के बाद भी इसमें कुछ कमियां रह गई जिसके वजह से ये दूसरे टैंक के तुलना में कुछ खास नहीं रहा, जिसकी वजह से MK2 प्रोग्राम को इंट्रोड्यूस किया गया जिसमें मॉडर्न वॉरफेयर कैपेबल टैंक को बनाने की बात रखी गई। अर्जुन मार्क 2 इसी टैंक का इंप्रूव्ड वर्जन है। इसका डेवलपमेंट इजरायली डिफेंस कंपनीज और DRDO ने मिलकर किया है। इंडियन आर्मी में कोल्ड वॉर एरा के पुराने होते हुए T-55 और T-72M टैंक्स को देखकर और क्योंकि MBT अर्जुन मार्क 1 इंडियन आर्मी के लिए उतनी कॉम्बैट वर्दी साबित नहीं हुई, इस कारण इसके मार्क 2 वर्जन का प्रोग्राम लॉन्च किया गया। इस मार्क 2 वर्जन में इम्प्रूव प्रोटेक्शन, ज़्यादा फायर पावर और एडवांस मोबिलिटी जैसे कई फीचर हैं जो कि इसके पहले वाले वर्जन की तुलना में बहुत ही बेटर हैं। टैंक को पहली बार रिवील 2014 में किया गया और इंडियन आर्मी ने 118 न्यू टैंक्स के ऑर्डर को अप्रूवल दिया। पर जैसा कि आप सब जानते हैं, भारत के मिलिट्री प्रोग्राम स्लो ही चलते हैं जिसके कारण इसमें भी डिलेज देखने को मिला, जिसके वजह से इंडियन आर्मी ने कुछ अर्जुन मार्क 1A टैंक्स को इंडक्ट किया जिसमें अर्जुन मार्क 2 की काफी फीचर्स थी। अर्जुन मार्क 2 का डिजाइन जर्मन लियोपर्ड 2A5 मेन बैटल टैंक पर आधारित है। सोर्सेस के अनुसार इस मेन बैटल टैंक का वजन 68 टन है जो कि बहुत ही हैवी माना जाता है दूसरे टैंक्स के तुलना में। यह अमेरिका और ब्रिटेन के मेन बैटल टैंक्स M1A2 एब्राम्स और चैलेंजर 2 से भी ज़्यादा भारी है। भारी वजन होने के कारण इसका यूजेज भी बहुत ही लिमिटेड हो जाता है, जैसे कि इसकी क्रॉस कंट्री मोबिलिटी घट जाती है। इससे फ्रंट लाइन तक ट्रांसपोर्ट करने में भी आर्मी को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। अर्जुन मार्क 1 की तुलना में इसका हल और टरेट नई तरह से डिजाइन किया गया है और प्रोटेक्शन के लिए कंचन आर्मर लगाया गया। इसके साथ साथ स्वदेशी निर्मित एक्सप्लोसिव रिएक्टिव आर्मर मॉड्यूल्स को भी लगाए गए हैं। यह न्यू जनरेशन टैंक रशियन कॉन्टैक्ट 5 टेक्नोलॉजी पर बेस्ड है, जिसके इस्तेमाल T-90 और कई रशियन एडवांस टैंक्स में होते हैं। साथ ही इसका डेवलपमेंट 1980 के दशक में हुआ था। अर्जुन मार्क 2 एडवांस्ड लेजर वार्निंग एंड काउंटर मेजर सिस्टम से लैस है जो कि एनिमी सेंसर्स को कंफ्यूज करने का काम करती है। और तो और, इस टैंक में NVC और फायर सप्रेशन सिस्टम भी मौजूद है। भारत की इस मेन बैटल टैंक में फुल्ली स्टेबिलाइज्ड 120 mm राइफल गन लगा हुआ है जिसका लोडिंग मैनुअली किया जाता है। इस कैलिबर का राइफल गन सिर्फ ब्रिटिश चैलेंजर 2 MBT टैंक्स में लगे हैं।
यह गन एक्यूरेसी में स्मूथ बोर गन्स से कहीं बेहतर है। सोर्सेस के मुताबिक ट्रायल्स में अर्जुन मार्क II ने T-72 और T-90 दोनों ही टैंक्स को हरा दिया था। अर्जुन मार्क II में इजरायली लाहात एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल्स भी लगी हुई हैं। मिसाइल्स और शॉट्स को लेकर यह टैंक 39 राउंड्स को कैरी कर सकता है। विजिबिलिटी की बात करें तो यह टैंक एडवांस्ड थर्मल इमेजिंग और पैनोरामिक साइट्स जैसे कई फीचर्स से लैस है। अर्जुन मार्क II की फायर कंट्रोल सिस्टम का हिट रेट प्रोबेबिलिटी 90% से भी ज़्यादा है। इस नए टैंक में MK-1 के मुकाबले बेहतर नेविगेशन और कम्युनिकेशन सिस्टम्स हैं। इस नए जनरेशन के टैंक के ऊपर 7.62 mm गोलियों को दागने वाली 12.7 mm की रिमोट कंट्रोल्ड हैवी मशीन गन भी मौजूद है। इस टैंक में 4 लोगों का क्रू होता है जिसमें कमांडर, गनर, लोडर और ड्राइवर शामिल होते हैं। अर्जुन मार्क II के प्रोटोटाइप में जर्मन MTU MB-838 डीजल इंजन्स होते हैं जो कि 1400 हॉर्स पावर जनरेट करते हैं। ये सेम इंजन मार्क I में भी मौजूद होते हैं, हालांकि इंडक्ट होने वाले मॉडल्स में इससे कहीं बेहतर और पावरफुल इंजन्स होंगे। इस टैंक में ऑक्सिलरी पावर यूनिट के होने से इसके सारे सिस्टम्स तब भी काम करते हैं जब टैंक का मेन इंजन बंद पड़ा होता है। इस भारी भरकम टैंक को सिर्फ और सिर्फ इंडिया की C-17 ग्लोब मास्टर से ही एयरलिफ्ट किया जा सकता है। इस टैंक के आकार और प्रकार को देखकर दुश्मनों का हौसला टूट जाता है और ये भारत की मिलिट्री की असल शान है। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर जरूर करें, इससे हमें मोटिवेशन मिलता है आपके लिए ऐसे ही बेहतरीन कॉन्टेंट बनाते रहने का। ऐसे वीडियोज और देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।